अस्सलामुअलैकुम। आज हम रोस्टेड तंदूरी चिकन एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और एकदम कम मसालों में, और इसे हम रात भर मैरिनेट करेंगे और एकदम गल के अच्छा हो जाएगा और बहुत ही जूसी हो जाएगा। तो हमने इसके लिए तकरीबन डेढ़ किलो मैंने चिकन लिया है, चिकन थाइस पीस लिया है, और देखिए इसको किस तरह से कट मार के रखा है, इस तरह कट मार के रखा है। अब हम इस पर लेमन जूस अप्लाई करेंगे। मेरे हाथों में कलर लगा है, वो कलर इस पे जा रहा है। ये एकदम रेड कलर का होता है ना तंदूरी, मैंने रेड कलर यूज किया है निकालने के लिए। अब इसमें जो मसाले लगेंगे वो देखिए, मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और फूड कलर मैंने ज़्यादा लिया है, और नमक है, और थोड़ी सी हल्दी है, और इसमें टिक्का मसाला हम यूज़ करेंगे। बस धनिया वगैरह नहीं डालना है हमें, 1 चम्मच भर के मैंने टिक्का मसाला लिया है। अब हम इन मसालों को दही के साथ मिला लेंगे। मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही लेंगे बस, और इस मसालों को इसमें मिला लेंगे। अभी मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसका नमक और मिर्च चख लें। टिक्का मसाला डालने से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, और इसमें हम ज़्यादा मसाला लगाते भी नहीं हैं, ताकि वो, क्योंकि हमें फ्राई नहीं करना है, इसे जाली पे रोस्ट करना है। अब ये मसाला लगा के हम एक एक करके रखते जाएंगे। देखिए मैंने मसाले अप्लाई कर दिया है, जो बचे मसाले हैं वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे, और बस ढाँक कर रात भर के लिए, तकरीबन 8 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करने रखेंगे। जितना ही ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम होगा ज़्यादा, उतना ही लजीज और अच्छा बनेगा। चलिए हम 8 घंटे के बाद मिलते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाना ही भूल गई। देखिए ये 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और उसे मिला देंगे इसमें, साथ में मिला देंगे। अदरक लहसुन ही तो मेन चीज थी, उसी को मैं भूल गई। चलिए अब 8 से 10 घंटे हो गए हैं मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब मैंने बाहर निकाला है, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, पहले मैंने ऑयल नहीं डाला था, लेकिन अब ऑयल डालूंगी, और ऑयल डाल के 10 मिनट मसल के रख दूंगी इसमें। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम हल्का सा बटर लगा के और रोस्ट करेंगे इसको। अब हम पैन लेंगे, ओपन पैन है, जरा बड़ा लें एकदम हमें। अब इसमें थोड़ा 1 चम्मच बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो जाए तो फिर हम एक एक पीस उठाएंगे, 10 मिनट हो गए हैं, एक एक पीस उठाएंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे। एक पैन पे मैं 2 ही पीस रखेंगे, फिर उलट पलट के धीमे आंच पे गोल्डन ब्राउन करके आपको बताती हूँ। अब मैंने दूसरी तरफ भी पैन रख दिया है, क्योंकि धीमे धीमे करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दूसरी तरफ भी एक पैन रखा है, उसमें भी थोड़ा बटर डालेंगे। और मैं ये जल्दी के लिए कर रही हूँ, अगर आप कम बना रहे हैं तो एक ही बार में हो जाएगा। अब इसमें भी मैं डाल दूंगी, धीमी आंच पे रख के इसमें 3 पेज डालेंगे। धीमी आंच पे रख के इसे भी डालना पड़ेगा। अब 5 मिनट हुआ है,
इसे हम अलग पर ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे, फिर पलट देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब इसे हम ढाक देंगे, ढाक कर धीमे धीमे पकने देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। इसे भी देखते हैं, इसे भी पलट देते हैं। देखिए हल्का गोल्डन हुआ है, फिर हम अलग पलट के ओवर क्राउड करने से पानी बहुत छूटता है और इसमें पानी नहीं छूटेगा, ड्राई रहेगा, तो रोस्ट जाली से रोस्ट करने के लिए अच्छा पड़ेगा। अब देखिए उलट पलट कर हमने एकदम अच्छी तरह ब्राउन, देखिए चेक कर लिया मटन भी, देखिए अलग हो रहा है, एकदम अच्छी तरह से गल गया है, पीस भी गल गया। अब हम इसे रोस्ट कर देंगे जाली पर, इसे हटा लेते हैं जाली पर। अब हमने ये जाली रख दिया है और अब हम इसमें से निकाल कर इस पे धीम जो भी रही सही कसर है, या आप ऐसे करें जाली पे करें, या फिर आप उठा के ऐसे चिमटे से पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जाली ना हो तो ऐसे भी सेक सकते हैं इस तरह। अब ये धीमी आंच पे थोड़ा देर तक हम इसे रोस्ट करेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया, एकदम अच्छी तरह से सेकंड भी कर रहे हैं। अब आपको सेकंड वाला करके फिर सर्व करके बताते हैं। देखिए अब हमारा रोस्टेड चिकन तंदूरी रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।